भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई बाबा कोई इंसान भगवान कैसे होगा भाई? कैसे तुम, क्या सारे मर्द तुम्हारे पति हो सकते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या सारे लोग पति हो जाएंगे? जब सब पति नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? और ये सब कचरा क्यों घुसा आपके दिमाग में? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपकी कामना, हे गुरुजी हम वहां गए थे, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, मतलब आपको भगवान से मतलब नहीं है। तुम्हारा तो काम गधा बना दे तो तुम गधे को भगवान कह दोगे? काम बन गया, काम काम, वाह। भक्त लोग कोई कामना रखते ही नहीं। हम कोई काम बनाने के लिए थोड़ी गोविंद की पूजा करते हैं। भीख मांग के खा लेंगे, पेट ही तो भरना है, भूखे रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? पर कामना नहीं, भगवान से भी थोड़ी कुछ मांगते हैं। ये दास अनिरुद्ध बैठा है, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा, केवल भाव रखा है सेवा का, समाज की सेवा का। सदा अच्छे काम करने में मन लगाए हैं, उसी अच्छे काम में मन लगाने का परिणाम है कि भगवान भी साथ उसका देते हैं, सपोर्ट उसी को करते हैं, तो सही राह पर चलता है। आपको लगता है कि वहां गए थे उस बाबा के पास काम बन गया, वो बाबा, ऐसे में कितने बाबा फिर अपने आप को भगवान मान लेते, जी अपुनिच भगवान है। इसलिए आप सब ये स्पष्ट बातें हम तो आपको बता रहे हैं, समाज में ये बातें आपको आज स्पष्टता से कोई बताता भी नहीं है, इस डर से कि कौन विरोध पाले। लेकिन नहीं बोलेंगे तो भगवान हमसे मरेंगे तो पूछेंगे क्यों? जब समाज अज्ञान में जी रहा था, समाज गलत रास्ते पर चल रहा था, तो तुमने भगवान की सही परिभाषा जब पता थी तो क्यों नहीं बताई? हमें तो जो परिभाषाएं पता हैं, जो सच्ची बातें पता हैं, वो बता रहे हैं, मानो या मत मानो। हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया, कोई चाटुकारिता नहीं। हमें कोई 100 करोड़ भी दे, 1000 करोड़ भी दे, सारा कुछ दे दे और कह दे कि आप गलत को सही कह दीजिए, तो नहीं, गलत गलत है, सही सही।